खानेवाल टूपी 206 का कौन बनेगा सुल्तान, 16 दिसंबर को सजेगा जिन्न इंतखाब का मैदान, वक्त कम और मुकाबला सख्त। जिन्न इंतखाबी मुहिम के कैंपेन का आखिरी रोज, पीपी नून लीग पीटीआई टीएलपी आमने सामने। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जाब्ता अखलाक जारी, आज रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो जाएगा। पोलिंग स्टेशन के बाहर रेंजर्स और पुलिस तैनात होगी। पोलिंग स्टेशन में किसी को मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने खानेवाल में डेरे डाल लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर हैदर जमान कुरैशी, अब्दुल कादिर शाहीन समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। कहा कि लेबर और अकलियतों के बहुत से लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। उधर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर वासिक सजीद हैदर ने इलेक्शन कैंपेन में नोटिस का तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा कि मुखालिफिन ने जाली वीडियो बनाकर पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की। खानेवाल पीपी 206 के इंतखाबी मुहिम में तेजी, आखिरी रोज मुस्लिम लीग नून खातिन विंग की डोर टू डोर कैंपेन। नून लीग के मरकजी दफ्तर के बाहर कारकुनान की नारेबाजी। शाइस्ता लोधी ने कहा कि 16 दिसंबर को खातिन भी बड़ी तादाद में वोट करेंगे। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ शदीद रद्द अमल मौजूद। खानेवाल पीपी 206 का सियासी पावा हाई, इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज, तहरीक लबैक भी अपने उम्मीदवार की जीत के लिए पुरअज़म। उम्मीदवार शेख मोहम्मद अकमल ने कहा कि लबैक या रसूल अल्लाह हमारा मिशन है और हम कामयाब होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक ओकरा की समरी तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 8 से 10 रुपये लीटर कमी की तजवीज। जरा के मुताबिक लेवी टैक्स बढ़ाने पर 4 रुपये लीटर तक कमी हो सकती है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें $74 फी बैरल रही। आइंदा 15 रोज के लिए नई कीमतों का ऐलान कल किया जाएगा। वफाकी हुकूमत का बिजली के सार्फिन के खिलाफ बड़ा फैसला, 1 से ज्यादा कनेक्शन रखने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार। हुकूमत का बिजली के इजाफे कनेक्शन मुनकता करने का अहकाम। ज्यादा कनेक्शन रखने वालों को फहरिस्त मुरतब करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। पंजाब काबीना के 50वें इजलास में 12 निकाती एजेंडे बरगा। सूबाई वज़रा मुआवनी ने खसूसी मशीरान चीफ सेक्रेटरी मुतालिका महकमों के सेक्रेटरीज और आला हुकाम की शिरकत। रिक्शा माफिया और रेढ़ी बाल मुजफ्फरगढ़ के बन गए डॉन। प्रेस क्लब और फयाज पार्क के इतराफ में रेढ़ी बाल और रिक्शा माफिया का राज। तजावजात के खात्मे का किसके सर पर सजेगा ताज। जिला इंतजामिया और पुलिस ने चुप साध ली। तजावजात का खत्म करना चैलेंज बन गया। इंसदादे तशद्दुद मरकज बराए खातीन सेंटर में ऑफिसर्स की कमी का मामला। इंसदादे तशद्दुद मरकज बराए खातीन सेंटर में मैनेजर की पोस्ट पर मुस्तकिल तैनाती ना हो सके। सीनियर साइकोलॉजिस्ट को मैनेजर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। दादरसी सेंटर के अमले को वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर का आरजी चार्ज दिया गया है। फर्टिलाइजर्स एक्ट की खिलाफवर्जी पर छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई का मामला। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच के जज जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जनूबी पंजाब को 21 दिसंबर को तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक छोटे दुकानदारों के बजाय खाद बनाने वाली कंपनियां जिम्मेदार हैं। खुशाब के बासियों की सुनी गई, तरक्याती काम एक बार फिर शुरू कर दिए गए। 1 अरब रुपए से ज्यादा मालिक के ग्रांट से टूटी फूटी राबता सड़कों को दोबारा बनाया जाएगा। पीसीसी स्लैब और टब टाइल्स लगेंगी। चेयरमैन जिला काउंसिल अमीर हैदर ने कहा कि हल्का पीपी 83 को हकीकी मानों में मॉडल बनाएंगे। जनूबी पंजाब में तरक्याती कामों का जाल। टेरिटरी केयर अस्पताल मुल्तान के लिए 9 अरब 69 करोड़ 65 लाख मंजूर। कोटदू में फ्लाईओवर की तामीर के लिए 63 करोड़ 31 लाख मंजूर। पीएनडी कॉम्प्लेक्स लाहौर में सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास हुआ। तरक्याती स्कीमों के लिए 12 अरब 27 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दी गई।
ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में तीन रोजा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मुकामी और बैन अल-अक़वामी साइंसदानों की शमूलियत, 150 माहरीन अपने तहकीकाती मकाले पेश करेंगे। लिया में बैडमिंटन के मुकाबले फाइनल टाकरे में अबासियन और फ्रेंड्स क्लब मद मुकाबले, अबासियन क्लब ने जीत अपने नाम कर ली। मैच के अख्ताम पर टीमों को इनामात से भी नवाजा गया।